तो अगर आप एक इंटेलिजेंट आदमी हो, यानी कि आप अपने जीवन में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और कोई आदमी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हम अपने लाइफ में अमीर कैसे बन सकते हैं, यानी कि हम अपने लाइफ में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, तो आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन किस तरीके से उस आदमी को दोगे? तो आप में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि रिच बनने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को फॉलो करके कोई भी आदमी रिच बन सकता है। उस प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले आपको अपने लाइफ में स्कूल जाना रहता है, उसके बाद आपको एक अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी रहती है, उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब लेनी रहती है, और उसके बाद आपको जो जॉब से जो पैसे मिलते हैं, जो इनकम मिलती है, उसको आपको सेव करके इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना रहता है। यही है सिंपल सा प्रोसीजर। तो अब आप लोग सोचोगे कि उस पैसे को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उस पैसे को आपको सोच समझ के स्टॉक्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, और उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों में सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। तो अब आप लोग ये बोलोगे कि हमको कितने समय तक पैसे इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि कितने समय तक पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा और हम रिच बन पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ महीने और इवन कुछ साल भी नहीं है। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उसको लगभग 30-40 साल के लिए भूल जाना है, और जब आप अपने लाइफ में 60 साल के लगभग हो जाओगे, तब आपको अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा मिलेगा, और उस टाइम आप मिलियनर यानी कि करोड़पति बन जाओगे। और मैक्सिमम रिच माइंडसेट वाले पीपल भी अपने लाइफ में इसी ओल्ड प्रोसीजर को यूज़ करते हैं अपने लाइफ में रिच बनने के लिए, मिलियनर बनने के लिए। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ इसी प्रोसीजर को यूज़ करके अमीर बन सकते हैं, या फिर आप ये सोच रहे होगे कि इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस प्रोसीजर को यूज़ करके हम आप कैसे अमीर बन सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपका गेट रिच स्लो माइंडसेट गेट रिच फास्ट माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बदल जाएगा। तो बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, तो आपकी लाइफ को एक सही और नया डायरेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आपको भी अपने लाइफ में रिच बनना है, यानी कि अमीर बनना है, लेकिन 60-70 साल की उम्र में नहीं, बल्कि 30-40 साल की उम्र में ही अमीर बनना है, हाँ ऐसा हो सकता है, आप 30-40 साल की उम्र में भी अमीर बन सकते हो, और ऐसा करके आप अपने लाइफ को ट्रूली इंजॉय कर सकते हो, मज़े से अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो अब हम ये जानेंगे कि हम काफ़ी यंग एज में ही हम अपने लाइफ में मिलियनर यानी कि करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो ऑथर एमजे डिमार्को ने अपनी वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द मिलियनर फास्ट लेन में बताया है कि हम कैसे अपने लाइफ में काफ़ी यंग एज में ही हम रिच बन सकते हैं और अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम का मज़ा उठा सकते हैं। तो ऑथर अपनी बुक में ये बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि जब वो छोटे थे तो उनका सिर्फ एक ही सपना था, और वो सपना ये था कि वो चाहते थे उनके लाइफ में उनके खुद के पास एक लैम्बोर्गिनी कार हो, जिनकी मदद से वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाए। ऑथर की तरह हम में से मैक्सिमम लोग का भी ड्रीम यही होता है कि हम अपने लाइफ में एक सुपर कार को खरीद पाएँ, और क्योंकि ऑथर को भी रिच बनने के लिए वही प्रोसीजर पता था, तो उन्हें हमेशा लगता था कि सिर्फ 60-70 साल का आदमी ही एक सुपर कार, एक लग्जरी कार को अफोर्ड कर पाएगा, और वो अपने लाइफ में उस कार को इंजॉय कर पाएगा। और ऑथर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनको सिर्फ उसी प्रोसीजर के बारे में पता था। तो ऑथर के साथ एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस इंसिडेंट ने ऑथर की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो हुआ ये था कि ऑथर एक दिन एक सामान खरीदने के लिए एक शॉप पे गए। उस शॉप के पार्किंग में वही कार रखी थी जिस कार को ऑथर अपने लाइफ में खरीदना चाहते थे, यानी कि ऑथर की ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी। अपनी ड्रीम कार को देखकर ऑथर सबसे पहले काफ़ी सरप्राइज हो गए, उसके बाद उन्हें खुशी मिली, और उसके बाद वो सोचने लगे कि कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी आएगा और वो इस लैम्बोर्गिनी कार में बैठकर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ऑथर फिर से सरप्राइज हो गए, और कुछ समय बाद एक यंग आदमी उस शॉप की पार्किंग में आया और उस लैम्बोर्गिनी यानी ऑथर की ड्रीम कार को लेकर चला गया। उस दिन से ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि उनको भी अपने लाइफ में बहुत जल्दी रिच बनना है, और ऐसा डिसाइड करते ही ऑथर अपने घर गए और वहाँ उन्होंने काफ़ी यंग मिलियनर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी और काफ़ी सारे रिसर्चेस भी किए। और ऑथर ने इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके यंग एज में कैसे अमीर बने, इसके लिए फाइनली दो कंक्लूजन निकाले। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज़ अवर माइंड।
यानी कि हमारा दिमाग ही हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है। तो ऑथर ने पहला कंक्लूजन इतनी हार्डवर्क और इतनी रिसर्च के बाद ये निकाला कि गेट रिच स्लो इज अ गेट रिच ओल्ड। ऑथर बताते हैं कि बचपन में एक दिन वो एक बूढ़े आदमी से मिले थे, जिस बूढ़े आदमी के पास वही कार थी, वही यानी कि वही ड्रीम कार थी जो कि ऑथर अपने लाइफ में लेना चाहते थे। तो उस कार को देखने के बाद ऑथर ने उस बूढ़े आदमी को कहा कि आप तो इस कार के साथ मज़े कर रहे होंगे अपने लाइफ में। और ऑथर के ऐसे बोलने के बाद उस बूढ़े आदमी ने ऑथर को रिप्लाई देते हुए बात कही और उसने कहा कि वो बूढ़े हो गए हैं इसलिए अब उनको ये कार चलाने में इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर अभी भी वो यंग होते तो उन्हें ये कार चलाने में बहुत मज़ा आता। तो उस दिन से ऑथर को एक बात तो समझ आ ही गई थी कि अगर वो 60-70 साल की उम्र में अमीर बनेंगे तो वो उस पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और वो उस पैसे से अपना लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे और इवन वो अपने ड्रीम को, यानी कि जो उसका ड्रीम था, उसको भी वो ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर हम उसी प्रोसीजर की मदद से अपने लाइफ में 60-70 साल की उम्र में रिच बने, अमीर बने, तो वो एक हमारे लिए घाटे का सौदा होगा। तो ऑथर ने इतनी रिसर्च के बाद सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला था, तो अब हम उसे जानेंगे। तो पहले कंक्लूजन से हमें ये बात तो समझ आ गई है कि गेट रिच स्लो इज़ अ गेट रिच ओल्ड, लेकिन ये बात भी हमको पता होनी चाहिए कि द मिलियनेयर फास्ट लाइन बुक ये दावा नहीं करती कि इस बुक को पढ़ने से हमारे पैसे 21 दिन में डबल हो जाएंगे, लेकिन इस बुक को पढ़ने से हम कुछ ही सालों के अंदर एक अच्छा वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से ट्रूली इंजॉय कर पाएंगे अपनी ड्रीम के साथ। तो ऑथर ने अपने लाइफ में जो सेकंड कंक्लूजन निकाला था वो कंक्लूजन ये था कि वेल्थ इज नॉट अ रोड, इट्स अ रोड ट्रिप। यही कंक्लूजन ऑथर ने निकाला था। ऑथर कहते हैं कि यंग एज में पैसे कमाने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम अमीर बन सकते हैं, और क्योंकि ऑथर को कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए उन्होंने इस सिंपल से प्रोसेस को कार के ही लैंग्वेज में अच्छे तरीके से अपने बुक में डिस्क्राइब किया है। तो चलो अब हम वेल्थ रोड ट्रिप फार्मूला को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली में इस फार्मूला में 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 रोड मैप, स्टेप नंबर 2 व्हीकल, स्टेप नंबर 3 रोड्स और स्टेप नंबर 4 स्पीड। तो ये सारे वही स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम अपने लाइफ में यंग एज में ही काफ़ी मिलियनेयर यानी कि करोड़पति बन सकते हैं। तो हम अपने आने वाले वीडियो में इन चारों स्टेप्स को डिटेल में कवर करेंगे और इनको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली एक माइंडसेट चेंजिंग वीडियो था और हमारे वेल्थ गेन की जर्नी को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको ये वीडियो को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसके साथ साथ अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो पहली बात तो ये है कि आपको इस बुक के बाकी सारे वीडियो को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप अपने लाइफ में इस बुक के सारे शॉर्टकट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करके बहुत जल्दी वेल्दी बन जाओगे और यंग एज में ही रिच बन जाओगे। तो हम अपने अगले वीडियो में इसी बुक में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे जिन शॉर्टकट्स को यूज़ करके आप अपने लाइफ में यंग एज में ही अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।